हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद ग्लो। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी ये जो वॉल है इसको ट्रांसफॉर्म किया एक सुंदर सी वॉल में। सो आप देख सकते हैं ये जो वॉल है पहले कुछ इस तरीके से दिख रही थी जो कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। सो इस वॉल को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है जस्ट 189 रुपीज़ में। सो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने इस वॉल को ट्रांसफॉर्म किया। इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने अमेज़ॉन से एक वॉलपेपर मंगाया है ब्यूटीफुल सा पिंक फ्लोरल कलर का, जो कि इमेज में जैसा दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही मुझे रिसीव हुआ था। ये जो वॉलपेपर है इसको मैंने जस्ट 189 रुपीज़ में बाय किया था एंड इसका जो भी साइज़ है मैं वो स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। सबसे पहले मैंने इस पेपर को मेज़र कर लिया वॉल की लंबाई के हिसाब से जितना मुझे मतलब वॉलपेपर लगाना था एंड उसको फिर इस तरीके से कट कर लिया। वॉलपेपर लगाने से पहले वॉल को अच्छे से क्लीन कपड़े की हेल्प से साफ़ कर लेंगे जिससे जो दीवार है उस पर कोई भी धूल मिट्टी ना रहे, बिकॉज़ दीवार पर अगर धूल मिट्टी रहेगी तो जो वॉलपेपर है वो इजीली नहीं चिपक पाएगा। वॉल को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम यहाँ पर जो वॉलपेपर है उसको स्टिक कर लेंगे। सो ये मैंने अकेले ने नहीं किया, मेरी सिस्टर और मैंने दोनों ने मिल के किया। इस वॉलपेपर के नीचे एक पेपर लगा होता है उसको धीरे धीरे हमें इस तरीके से पील करना होता है। मैं इसको पील कर रही हूँ एंड मेरी जो सिस्टर है ऊपर से इस तरीके से जो वॉलपेपर है इसके ऊपर क्लॉथ रब कर रही है ताकि ये जो वॉलपेपर है थोड़ा सा स्मूथली चिपक सके एंड इस पर कोई भी सिलवटें ना आए। सो आप देख रहे हैं ये जो नीचे वाला जो पेपर है इसको मैं बहुत ही धीरे धीरे से पील कर रही हूँ, बिकॉज एक साथ ही अगर हम पूरा पेपर पील कर देंगे तो ये जो वॉलपेपर है वो सही से नहीं चिपक पाएगा। हाई एवरीवन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सो आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सो हम सभी जानते हैं मल्टीविटामिन्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बट आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, अपनी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं ले पाते, जिससे हमारी जो बॉडी को मल्टीविटामिन्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशियस चाहिए होते हैं, वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। सो इसकी वजह से हम सारा दिन लेजी एंड लो फील करते हैं। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट जिससे आपकी ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। सो ये है जिंगावीटा ब्रांड की तरफ से ओमेगा 3 प्लस मल्टीविटामिन सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ये जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है वो ओमेगा 3 प्लस मल्टीविटामिन की जो गुडनेस है उससे भरपूर है। ऑल्सो इट कंटेंट्स 100% ऑफ RDA ऑफ विटामिन एंड मिनरल ब्लेंड। ये जो कैप्सूल है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमारी जो विटिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। ये जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन, इसके साथ साथ ही हमारी जो ब्रेन मसल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑल्सो दिस मल्टीविटामिन कैप्सूल इज हलाल सर्टिफाइड। इस सॉफ्ट जेल कैप्सूल को आपको दिन में एक बार लंच करने के बाद कंज्यूम करना है। सो मैं इस सॉफ्ट जेल कैप्सूल को कुछ ही दिन से ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस कैप्सूल। इसमें आपको 120 जेल्स की क्वांटिटी मिल जाती है जो कि इनफ है 3 to 4 मंथ्स के लिए। और सो इसका जो प्राइस है वो है 1099 जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे ये अमेजोन इनकी जो वेबसाइट है zingavita.com उस पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये मिल जाएगा। सो अगर आप ये कैप्सूल मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, सो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो जो कूपन कोड है उसको बिल्कुल मिस मत करना, इससे आप और अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। सो नाउ इन्जॉय द वीडियो। सो मैं इसी तरीके से जो भी वॉल बची हुई है उसको कवर कर लूँगी। सो पहले मैं इसको वॉलपेपर को मेज़र कर लेती हूँ देन कट करके देन इसको स्टिक कर दें तो जो प्रोसेस है बहुत इजी हो जाता है। सो गाइस, वॉलपेपर लगाते समय जो ये बीच में जो कट्स आते हैं लाइक हम एक एक शीट करके ऐसे लगाते हैं तो ये जो कट्स है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, कैमरे में भी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे बट रियल में भी ये बिल्कुल भी ऐसा लगता है पूरी एक ही शीट है। सो इस प्रोसेस को अगर आप अकेले करोगे तो हो सकता है इसमें जो सिलवटें हैं वो पड़ जाएं, बिकॉज इस वॉलपेपर को बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना पड़ता है, लाइक एक ही लाइन में हमें लगाना पड़ता है। अगर इसको हम टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं तो इससे जो सिलवटें हैं लाइक जो लाइनिंग आ जाती हैं जो वॉलपेपर है उस पर लाइन आ जाती हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था एक दो बार, बट प्रैक्टिस करने के बाद लाइक एक दो बार में फिर सही हो गया था। अगर ऐसा होता है कि अगर गलत भी चिपक जाता है तो ईजिली निकल जाएगा। सो आप दोबारा इसको लगा सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वॉलपेपर सही नहीं लगा है। सो हमारा जो स्विच बोर्ड है वो भी ढक गया था तो इसको हम जो पेपर कटर है उसकी हेल्प से इसको कट कर लेंगे। उसके बाद जो वॉलपेपर है फाइनली हमने पूरा स्टिक कर लिया। सो इसको स्टिक करने के लिए हमें मतलब 25 से 30 मिनट लग गए थे आराम से, बट ये जो वॉलपेपर है थोड़ा सा कम पड़ गया था वॉल के लिए, बिकॉज़ मैंने एक ही शीट मंगाई थी। सो मुझे लगा था कि पूरी दीवार कवर हो जाएगी बट पूरी दीवार जो है कवर नहीं हो पाई थी।
सो उसके लिए मेरे पास कुछ इस टाइप का पेपर था, तो मैंने इसको नीचे स्टिक कर दिया, बिकॉज मैंने ये जो बैकग्राउंड है वो अपनी वीडियोज़ यूट्यूब वीडियोज़ के लिए बनाया है, तो फ्रेम में तो ये वाला जो वॉलपेपर वो अच्छे से आ रहा था, बट तो यही है कि थोड़ी सी जगह बच गई थी, तो मैंने उसको इस तरीके से थोड़ा सा DIY करके अच्छे से मतलब पूरा जो वॉल है उसको कम्प्लीट कर लिया था। ऑल्सो ये जो पेपर है, ये जो वॉलपेपर है पिंक कलर का, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा था, पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, तो ये इतना ज़्यादा ऑड भी नहीं लग रहा था। सो नीचे से मैंने कुछ इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया था, एंड ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस बच गया था लाइक ये वाला, सो इसको भी हम कवर कर लेंगे। सो उसके लिए मेरे पास ये कलरफुल शीट्स थी, जिन्हें मैंने जो स्क्वायर शेप है उसमें कट कर लिया, एंड इस पर जो फेविकॉल है वो लगा के दीवार पर स्टिक कर दिया। सो कुछ इस तरीके से हमने अपनी जो वॉल है उस पर वॉलपेपर स्टिक कर लिया था। सो मुझे तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइक पहले से तो काफ़ी बेटर लग रही थी जो वॉल है वो। सो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वॉलपेपर एंड ये जो वॉल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा लगा। सो अभी भी वॉल मुझे थोड़ी सी लाइक थोड़ी सी लाइट लग रही थी, मुझे इसमें थोड़ा सा और कुछ डिज़ाइनिंग करना था, DIY करना था। सो मैंने कुछ DIY वॉल स्ट्रिंग बनाने का सोचा। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए थे थोड़े से कलरफुल रिबन्स, लाइक दो मैंने लिए थे, एक गोल्डन वन एंड पिंक वन, एंड उसके बाद मैंने मेरे पास थोड़े से बीट्स थे लाइक ये पर्ल पॉम पॉम एंड मिरर्स वगैरह, सो वो भी मैंने ले लिए थे। सो उसके लिए जितने लेंथ का मुझे लाइक वॉल स्ट्रिंग बनाना था उतना मैंने जो रिबन है वो कट कर लिया, उसके बाद इसके एंड्स को कुछ इस तरीके से सिक्योर कर दिया, बिकॉज इसके एंड को अगर हम इस तरीके से जलाएंगे नहीं तो ये जो धागा है लाइक जो थ्रेड है रिबन का वो बहुत ज़्यादा निकलता है, इसीलिए इसको इस तरीके से ज़रूर कर लें पहले। उसके बाद रिबन पर हमने इस तरीके से इनको असेंबल करना शुरू किया, लाइक पहले हमने एक मिरर लगाया, देन उसमें थोड़ा सा स्पेस देके जो पॉम पॉम है उसको स्टिक किया, एंड पॉम पॉम एंड जो मिरर है उसके बीच में इस तरीके से जो स्टोन्स हैं वाइट कलर के पर्ल्स हैं वो लगा लिए। सो इस तरीके से हमने जितनी भी 4 से 5 स्ट्रिंग बनाई थी। सो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है, एंड लगाने के बाद सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सो इसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी का काम था, लाइक जो पॉम पॉम है मिरर्स हैं एंड जो पर्ल्स हैं स्पेशली पर्ल्स को स्टिक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। जब तक हम अपनी जो वॉल स्ट्रिंग है उसको कम्प्लीट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग है वो बनके रेडी हो गई, एंड सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, लाइक पॉम पॉम से इसमें बहुत ज़्यादा लाइक जो कलरफुल वाइब्स है वो आ गई थी। उसी तरीके से मैंने अपनी जो गोल्डन कलर का जो रिबन है उसको भी ऐसे ही कंप्लीट कर लिया था। वॉल स्ट्रिंग तैयार करने के बाद अब हमने इसको स्टिक किया था। सो इसको स्टिक करने के लिए हमने सेलो टेप का यूज़ किया था, इजीली उससे जो स्ट्रिंग है वो स्टिक हो गई थी। इसी तरीके से मैंने 5 स्ट्रिंग बनाई थी, एंड 5वें स्ट्रिंग को हम इसी तरीके से जो वॉल है उस पर स्टिक कर लेंगे। आप चाहें तो ये 5वें स्ट्रिंग एक ही रिबन में डाल के एंड उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको स्टिक कर सकते, बट मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा था एक एक करके ये जितनी भी वॉल स्ट्रिंग है इनको लगाना, तो मैंने इसी तरीके से स्टिक कर ली। सो इस बैकग्राउंड को रेडी करने में मेरी दीदी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, सो थैंक्स टू हर, बिकॉज वो नहीं होती तो मैं मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाती, बिकॉज ये सब करने में देखने में इजी लगता है, बट सच में इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऑल्सो टाइम भी बहुत लगता है।
सो कुछ इस तरीके से जो वॉलपेपर है एंड ये जो वॉल स्टिंग है उसको लगाने के बाद ये जो वॉल है वो लग रही थी। सो मुझे तो पर्सनली, मैं सच बोलूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, बिकॉज जो चीज़ें हम खुद से बनाते हैं लाइक DIY करके बनाते हैं तो उनसे हमारे जो इमोशंस है वो भी जुड़े होते हैं, एट द सेम टाइम वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। सो मुझे तो अपना ये छोटा सा वॉल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करूँगी इस बैकग्राउंड के साथ। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं।